महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। इस खबर ने महाराष्ट्र में ऐसा उत्साह पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब तक टूट से बची कांग्रेस में भी बगावत और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अशोक चव्हाण के साथ किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन संभावना है कि आने वाले समय में कुछ और विधायक अशोक चव्हाण के साथ जुड़ेंगे। फिर अशोक चव्हाण के इस्तीफे पर महाराष्ट्र के दो प्रमुख नेताओं संजय राउत और रोहित पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी में हलचल मच गई है और संबंधित महाविकास अघाड़ी के अहम नेता संजय राउत ने ट्वीट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत क्या कह रहे हैं? कल तक अशोक चव्हाण बीजेपी के सदस्य बन गए, इस पर विश्वास नहीं होता। आज चव्हाण एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह थे। क्या अब कांग्रेस पर दावा करने से हाथ का निशान मिलेगा और क्या चुनाव आयुक्त ये देंगे? संजय राउत ने अशोक चव्हाण की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। रोहित पवार कहते हैं, आज जब किसी विचारधारा के लिए लड़ने की असली जरूरत है तो बीजेपी ने उस विचारधारा को छोड़ दिया है जिसके लिए हम सारी जिंदगी लड़ते रहे। सेल्फी लेने में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा के साथ जाति विभाजन का ये दौर इसी तरह चलता रहा तो पहचान और विचारधारा की अगली लड़ाई साझा लड़ाई बननी होगी और जनता इसके लिए तैयार है। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद बीजेपी के साथ साथ रोहित पवार ने भी अशोक चव्हाण पर निशाना साधा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या शिवसेना और एनसीपी के बाद बीजेपी में होगी फूट? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।